अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। इंदौर के मशहूर नफीस बेकर अब भिवंडी शहर में आए हैं अपने नए नाम के साथ, सुफा बेकर्स। जो कि मशहूर है अपने हाई क्वालिटी टोस्ट, खारी और कुकीज के लिए। सस्ते दाम में बेहतर क्वालिटी अब भिवंडी की हर दुकानों में है उपलब्ध। डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आज ही संपर्क करें एट 420 मुस्तकीम कंपाउंड, नियर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। शुक्रवार 16 सितंबर को टोरेंट पावर के कर्मचारी उबैदुर रहमान की तेज बारिश के चलते पानी में डूबकर मौत हो गई थी, जिसके मुआवजे के लिए शांतिनगर के नगर सेवक साजिद अंसारी और समाज सेवक मुमताज अंसारी ने जी तोड़ मेहनत की और महाराष्ट्र सरकार से 4 लाख का मुआवजा, साथ ही टोरेंट पावर से 35 लाख रुपए का मुआवजा और उबैदुर रहमान के बच्चों के लिए हर महीने पढ़ाई का खर्च तय करवाया। भिवंडी के मंगालपुरा मेहरुनिसा अपार्टमेंट से 21 वर्षीय लड़का शाह मोहम्मद 16 सितंबर को लापता हो गया था, जिसे भिवंडी पुलिस द्वारा दिल्ली में ट्रेस किया गया। शाह मोहम्मद घर से क्लासेस के लिए निकला था, लेकिन वो क्लासेस नहीं गया और ना ही घर वापस आया। घर वालों की शिकायत पर भिवंडी पुलिस ने शाह मोहम्मद को दिल्ली से ट्रेस करके वापस भिवंडी लाया। आज भिवंडी के मंगालपुरा परिसर में स्थित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के ऑफिस में ATS द्वारा छापेमारी कर एक युवक मोइनुद्दीन मोमिन को गिरफ्तार कर दिया गया है। आपको बता दें कि आज देश भर में, महाराष्ट्र समेत 13 राज्यों में PFI के सभी ठिकानों पर ANI द्वारा छापेमारी कर 100 से ज्यादा लीडर और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। भिवंडी शहर में कांग्रेस पक्ष को मजबूत करने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने भिवंडी से 7 पदाधिकारियों को प्रदेश कार्यकारिणी में प्रदेश प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया। इसमें पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी इरफान पटेल, तारिक फारूकी, रानी अग्रवाल, सोहेल खान, रुखसाना कुरैशी, सलाम शेख और अशफाक हाशमी का समावेश है। भिवंडी शहर में ट्रैफिक की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वहीं ट्रैफिक को संतुलित रखने के लिए भिवंडी के आनंद दिघे चौक पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जिस पर भिवंडी मनसे ने आपत्ति जताते हुए ट्रैफिक विभाग से बैरिकेड की हटाने की मांग की थी, जिसे ट्रैफिक विभाग ने अनदेखा कर दिया। इसके बाद भिवंडी मनसे अध्यक्ष मनोज गुलवी के नेतृत्व में मनसे कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर अपने स्टाइल में बैरिकेड्स को हटाया। पर कैसे ट्रैफिक की समस्या खत्म होगी, ये सवाल अब भी बना है। DRI ने ऑपरेशन गोल्ड रश के तहत 65 किलो सोने के बिस्किट, जिनकी कीमत करीब 33 करोड़ रुपए है, नॉर्थ ईस्ट कंट्री से मुंबई, पटना, दिल्ली में तस्करी करने के लिए लाए गए थे। सबसे पहले भिवंडी से 120 बिस्किट पकड़े गए, जिनका वजन 19 किलो और करीब 10 करोड़ रुपए कीमत थी। इसी तरह पटना से 28 किलो सोना, जिनकी कीमत करीब 14 करोड़ रुपए थी, और दिल्ली से 16 किलो सोने के बिस्किट, जिनकी कीमत करीब 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है, ये बरामद किए। LTMAG पुलिस ने चाकू की नोक पर 5 लाख रुपए लूटने वालों को किया गिरफ्तार। वेस्टर्न रेलवे के मरीन लाइन रेलवे स्टेशन पर 5 लाख रुपए लेकर एक शख्स जा रहा था, जिसे कुछ बदमाशों ने बाहर रोककर चाकू दिखाकर 5 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। LTMAG पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को किया गिरफ्तार, जिनके खिलाफ अन्य पुलिस स्टेशन में 25 मामले पहले से दर्ज है। लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक सोलापुर का लाइसेंस RBI ने किया रद्द। RBI ने बैंक पर डिपॉजिट लेने और देने पर पाबंदी लगाई है। बैंक के पास एडिक्वेट कैपिटल और अर्निंग नहीं है, साथ ही बैंक ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को भी कम्प्लाई नहीं किया, जिस पर RBI ने बैंक का लाइसेंस रद्द किया। डिपॉजिटर्स बैंक से डिपॉजिट इंश्योरेंस के तहत 5 लाख रुपए तक का क्लेम कर सकते हैं। उल्लासनगर में 5 मंजिला इमारत के 3रे माले का स्लैब गिरने से 4 लोगों की जान चली गई और 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। उल्लासनगर के तहसीलदार कोमल ठाकुर ने बताया कि इस बिल्डिंग में 30 फ्लैट है, जो सभी अवैध थे और नोटिस पहले ही दी जा चुकी थी। हालांकि 5 परिवार अब भी रह रहे हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही दमकल कर्मी और पुलिस द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया गया। आज सेंसेक्स 337 अंकों की गिरावट के साथ 59,119 पर हुआ बंद। वही निफ्टी 88 अंकों की गिरावट के साथ 17,629 पर हुआ बंद। गोल्ड 49,995 पे ट्रेड करते हुए, सिल्वर 58,020 और क्रूड ऑयल 6,805 पे ट्रेड करते हुए।